दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनी पांडे और आप देख रहे हैं वेस्टर्न बैंक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे नावी एप्लीकेशन से ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। दोस्तों नावी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर का एक वन ऑफ द बेस्ट लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको एमरजेंसी के टाइम में लोन देता है। तो दोस्तों एमरजेंसी के टाइम में आपको कैसे नावी एप्लीकेशन का यूज़ करके तुरंत अपने बैंक अकाउंट में लोन मंगाना है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आपको नावी एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, नावी एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आपको ये एप्लीकेशन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, साथ में इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम नावी एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नावी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर का सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है लोन लेने के लिए। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में अभी तक के सबसे बेहतरीन लोन एप्लीकेशंस के लिस्ट आपको बताए थे, जिसमें हर एक लिस्ट में नंबर एक या फिर नंबर दो पोजीशन पे नावी एप्लीकेशन जरूर ही आ जाता है। तो दोस्तों नावी एप्लीकेशन मेरे नज़र में अभी तक का बेहतरीन एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको 20 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और गूगल प्ले स्टोर पर मात्र एक और दो ऐसे एप्लीकेशन है जो कि इतना बड़ा लोन पर्सनल लोन आपको तुरंत बैंक अकाउंट में इमरजेंसी के टाइम में देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको होम लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक के होम लोन ले सकते हो, साथ में यहाँ पर आपको इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों अब अगर बात करें नवी एप्लीकेशन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपसे 9.9% से लेके 45% तक का सालाना यानी एनुअल इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाता है। बट ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है आपके लोन के अमाउंट पे और साथ में आपने जो ईएमआई का टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है उसके ऊपर। मान लो कि आपने लोन का अमाउंट छोटा सेलेक्ट किया है और ईएमआई का टाइम पीरियड ज़्यादा सेलेक्ट किया है, ऐसे में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। बट वहीं अगर आपने लोन का अमाउंट बड़ा सेलेक्ट किया है और ईएमआई का टाइम पीरियड कम सेलेक्ट किया है, या फिर लोन का अमाउंट छोटा सेलेक्ट किया है और ईएमआई का टाइम पीरियड भी कम सेलेक्ट किया है, तो ऐसे में आपसे जो है कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाएंगे। साथ में बड़े से बड़े लोन अमाउंट पे भी आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देना होता है। तो दोस्तों अब अगर बात करें ईएमआई के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, तो जो आप लोन नावी एप्लीकेशन से लेते हो उस लोन को आप महीने के महीने किस्त के रूप में ईएमआई के रूप में भर सकते हो। दोस्तों अब ये किस्त जो है 3 महीने से लेके 72 महीनों तक का आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके अलावा नावी एप्लीकेशन जो भी आपको लोन अमाउंट देता है वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड होता है, बट यहाँ पर आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, और अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक भी है फिर भी आपको यहाँ से लोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था नावी एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको नावी एप्लीकेशन से ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना है। दोस्तों नावी ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नावी ऐप डाउनलोड का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। यहाँ पर आप नावी ऐप पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा, यहाँ पर सिंपली आपको नावी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम अपने नावी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन कीजिएगा यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड करता है नावी ऐप। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन, फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आपको होम लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर हम आपको फिलहाल पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पर्सनल लोन वाले सेक्शन में अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपसे अब आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद नीचे आपको गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और वो ओटीपी ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। इसमें आपको वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वेरीफिकेशन अगर आपका नहीं होता है तो आप वहाँ पर ओटीपी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका कुछ पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम भरना होगा। जो भी आपका पैन कार्ड में नाम हो वही नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। याद रहे आपका नाम का एक भी स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम एज इट इज पैन कार्ड वाला नाम ही यहाँ पर भरिएगा, वरना आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा और फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भर देना है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर किस तरीके से भरना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट भरना होगा, फिर यहाँ पर आपको मंथ भरना होगा और फिर यहां पर आपको ईयर भरना होगा, कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है। फटाफट से हम सभी डिटेल को भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहां पर नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। सभी डिटेल भरने के बाद ये बटन रेड कलर का हो जाएगा, आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब सेकंड स्टेप में आपसे आपका इनकम का डिटेल यहां पर मांगा जाता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ यहां पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर आपको बताना होगा कि आप सैलरी बेस काम करते हैं,
या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी खुद का कोई काम करते हैं, या फिर आप होम मेकर हैं, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं या फिर रिटायर हैं, वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो भी हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपसे आपका मंथली इनकम पूछा जाता है, आप महीने में कितने पैसे कमाते हैं यहाँ पर आपको भरना होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको यहाँ पर 30,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट भरना होगा। अगर आप 30,000 रुपये से कम अमाउंट भरते हैं तो यहाँ पर आपका ऐप लोन अप्रूव नहीं करेगा, इसलिए आपको 32,000, 33,000, 30,000 से ऊपर का ही अमाउंट आपको मंथली इनकम भरना होगा। भले ही आपका इनकम कम हो लेकिन आपको 30,000 से प्लस इनकम ही यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर आपको अदर इनकम का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप अदर कोई भी इनकम कमाते हैं, अगर आपका कोई भी अदर सोर्स से पैसा आता है तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ सभी डिटेल भरिएगा और नीचे नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है, वहाँ पर जो अदर इनकम का आपको ऑप्शन दिया गया था उस ऑप्शन में आपको कम से कम कुछ ना कुछ अमाउंट भरना ही होगा, तभी आप आगे के प्रोसेस कर पाएंगे। आगे वाले प्रोसेस में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको आपका बताया जाएगा कि कौन कौन से परमिशंस आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे सबमिट एप्लीकेशन का एक बटन दिखेगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करते ही आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, सभी परमिशंस को आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो होने लगेगा। अब यहाँ पर आपका लोन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर पास हो चुका है, यहाँ पर सिंपली बस अब प्रोसेसिंग हो रहा है आपका एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको वेट करना होगा 2 से 3 मिनट तक, जब तक आपका आगे का प्रोसेस खुल के नहीं आता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा लोन एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है, वहाँ पर टिक का ऑप्शन भी आ गया था और हमारा लोन भी अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पर आपका जो भी लोन अप्रूव हुआ होगा उसका अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हमें 20,000 रुपये तक का लिमिट मिला हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जबकि मेरा क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर 650 से भी नीचे था, फिर भी मेरा यहाँ पर इतना लोन अमाउंट हमको मिल गया है। अब इसको हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्लाइडर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो इस अमाउंट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इस स्लाइडर को नीचे कीजिएगा, यहाँ पर इस साइड में स्लाइड कीजिएगा तो आपका लोन अमाउंट कम भी हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसे स्लाइडर को सेलेक्ट करके अपने लोन अमाउंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ईएमआई भी देखने को मिल जाता है, पर मंथ आपको कितना ईएमआई भरना होगा, आप इस तरीके से यहाँ से भी ईएमआई को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 3,000 रुपये का, जैसे मेरे 3,000 रुपये का ईएमआई है, अगर मैं ज़्यादा का ईएमआई भरना चाहता हूँ और कम समय में भरना चाहता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि 3,000 का ईएमआई मुझे 6 महीने में भरना होगा और यहाँ पर मुझे 26% इंटरेस्ट रेट देना होगा, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस ईएमआई को चेंज भी कर सकता हूँ। इस स्लाइडर को ऊपर करूँगा तो मेरा ईएमआई बढ़ जाएगा और यहाँ पर मेरा मंथ आप देख पा रहे होंगे 6 महीने से 5 महीने हो चुका है। इसे फिर से मैं और स्लाइड करूँगा तो मेरा मंथ और भी बढ़ जाएगा और इस हिसाब से मेरा यहाँ पर महीने का भी, यहाँ पर ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा और ईएमआई का इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप अपने ईएमआई को और लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक कि आगे का पेज खुल के नहीं आ जाए। अब यहाँ पर आपसे आपका बैंक का डिटेल मांगा जाता है, सिंपली यहाँ पर आपको अपने बैंक का डिटेल भरना होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बैंक का नेम सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके अकाउंट में 18,231 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये सेलेक्ट किया था लेकिन 18,231 रुपये ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। यहाँ पर कुछ पैसे यहाँ पर टैक्स के रूप में काट लिया जाएगा, तो यहाँ पर ये आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर कुछ पैसे आपसे टैक्स के रूप में काटे जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर बैंक नेम पे सेलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करके आपका जिस भी बैंक में खाता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपना बैंक का अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट नंबर बहुत ही ध्यान से यहाँ पर लिखिएगा, अगर एक भी अकाउंट नंबर गलत हो जाएगा तो आपका लोन अमाउंट दूसरे के खाते में चला जाएगा और आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको अपने बैंक खाते का IFSC कोड भर देना है। यहाँ पर आपको बैंक नेम, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड भरने के बाद नीचे की तरफ नेक्स्ट का बटन देखने को मिलता है, आप सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे ही बैंक्स के सारे डिटेल भरने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका लोन जो है आपके बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उससे पहले हो सकता है कि आपसे आपका आधार कार्ड का डिटेल मांगा जाए KYC करने के लिए, तो वहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो और इसके अलावा आपको आधार OTP एंटर करना होगा। ये अगर मांगा जाए तभी आपको एंटर करना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आगे का प्रोसेस में आपसे ये चीज़ें नहीं मांगे जाएंगे। मैं आगे का प्रोसेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे लोन लेना होता तो निश्चित तौर पर मैं आपको आगे का प्रोसेस करके दिखा देता। अगर आपको लोन लेना है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे आधार कार्ड का डिटेल नहीं मांगा जाता है क्योंकि कुछ सिस्टम में यहाँ पर चेंज हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक लोन का रिसीविंग देखने को मिल जाएगा,
जाएगा और वो उसके बाद आपके खाते में ट्रांसफ़र भी पैसा कर दिया जाएगा। उस रिसीविंग में आपको जो है आपने कितना लोन अमाउंट लिया है, उसका क्या ईएमआई होने वाला है और कितने महीने तक आपको पैसे भरने हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इससे लोन ले पाएंगे। यही सारा प्रोसेस था नावी ऐप से लोन लेने का। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट प्रोसेस ये नहीं है। सबसे आसान प्रोसेस मुझे यहाँ पर लगा नावी ऐप से लोन लेने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।